सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, हीरो ने अभी अपनी एक्सट्रीम 125R को लॉन्च कर दिया है, जो कि भाई इस सेगमेंट में धूम मचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, एंड भाई इसकी प्राइसिंग भी काफी ज्यादा रीजनेबल रखी है। तो आज की वीडियो में इस बाइक को खरीदने के आपको टॉप 5 रीजंस बताने वाला हूँ। तो अगर आप 125cc सेगमेंट में अपने लिए कोई बाइक लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट रीजन की, जो मुझे इस बाइक में पसंद आया है, वो है इसका लुक्स। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के लुक काफी ज्यादा मस्कुलर लग रहे हैं फ्रंट से। मुझे ये बाइक फ्रंट से Z1000 की तरह देखने में लग रही है, जो कि काफी बढ़िया लुक के साथ आती है। यहाँ पर आपको 2 DRLs मिल जाते हैं विथ 2 LED projectors। तो यहाँ पर आपको हीरो ने फर्स्ट इन सेगमेंट LED projectors ऑफर किए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। सबसे ज्यादा जो लुक को एनहांस कर रहा है वो है इसके सस्पेंशन। फ्रंट के सस्पेंशन यहाँ पर काफी ज्यादा मोटे दिए हैं। यहाँ पर आपको 37mm के टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं, जो कि शोवा के हैं। साइड प्रोफाइल भी बाइक की काफी ज्यादा मस्कुलर लगती है देखने में, एंड यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, जिससे काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक निकल कर आता है। रियर से भी काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक है इस बाइक का, क्योंकि यहाँ पीछे आपको 120 क्रॉस सेक्शन का टायर मिल जाता है, एंड टायर हगर भी दिया है, जिससे लुक काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। सेकेंड रीजन की बात करें, वो है इसके ऑल LED हेडलैम्प्स का सेटअप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की हेलोजन लाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बाइक में आपको फुली LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है विथ LED इंडिकेटर्स एंड LED टेल लाइट। इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको XMR वाले ही इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एंड सेगमेंट फर्स्ट आपको हैजार्ड लाइट भी यहाँ पर दी है। थर्ड रीजन की बात करें तो वो है टायर्स एंड ब्रेकिंग। फ्रंट में 90x90, वही रियर में आपको 120 क्रॉस सेक्शन का टायर मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस रहने वाले हैं। फ्रंट में आपको 276mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है विथ सिंगल चैनल ABS। तो यहाँ पर आपको काफी बड़ी सी डिस्क ब्रेक विथ ABS मिल रही है, तो नो डाउट इसकी ब्रेकिंग काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। एलॉयज की बात करें तो 10 spokes एलॉय व्हील रहने वाले हैं, जिसका डिजाइन XMR वाला ही देखने में लगता है। फोर्थ रीजन की बात करें तो वो है फीचर्स एंड इस बाइक का इंजन। जी हाँ दोस्तों, मीटर आपको वही एक्सट्रीम 160R वाला ही देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में। RPM मीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, रियल टाइम एवरेज के साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट वगैरह, एंड फोन बैटरी डिस्प्ले जैसे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें आपको वही ग्लैमर वाला ही इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है वही सेम इंजन ये रहने वाला है। पावर आउटपुट इसकी 11 PS की रहने वाली है, एंड ये एयर कूल्ड इंजन है दोस्तों। 5 speed का गियर बॉक्स इसमें आपको मिलेगा, जो बाकी दोस्तों कंपनी ने इसमें साइलेंट टाइमिंग चेन एंड बैलेंसर वगैरह लगाया है, जिससे कि इंजन काफी ज्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड हो चुका है पहले के मुकाबले। माइलेज की बात करें तो कंपनी इसमें 66 KMPL की माइलेज क्लेम कर रही है, एंड अगर ये बाइक 60 तक की भी माइलेज देती है तो काफी अच्छी माइलेज होने वाली है, एंड ये बाइक काफी ज्यादा बिकने वाली है दोस्तों। बाकी फिफ्थ रीजन की बात करें तो वो है दोस्तों इस बाइक की प्राइसिंग। IBS ब्रेकिंग वाले मॉडल की कीमत आपको एक्स शोरूम 95,000 रुपीज देखने को मिलेगी। ऑन रोड प्राइस इसकी अप्रोक्स 1,15,000 रुपीज तक देखने को मिलेगी IBS ब्रेकिंग वाले मॉडल की, एंड ABS ब्रेकिंग वाले मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस आपको 99,999 रुपीज देखने को मिलती है। वही ऑन रोड प्राइस इसकी आपको 1,20,000 रुपीज तक देखने को मिल जाएगी ABS वाले मॉडल की, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग है। ओवरऑल जो यंग स्टूडेंट्स है दोस्तों, उनके लिए ये बाइक काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको स्पोर्टी लुक, फीचर्स, माइलेज सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को बाइक कैसी लगी कॉमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।